हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम पैटर्न्स में क्या बदलाव किए हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जो साइंस का आपका क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 24 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 110 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको बनाने होंगे ऑब्जेक्टिव 80 में से 40, शॉर्ट टाइप 24 में से 12 और लॉन्ग टाइप 6 में से 3, यानी टोटल आपको बनाने होंगे 55 क्वेश्चन। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर। दोस्तों, हमारा पहला सवाल, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी F इक्वल टू R बाई 2। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, लाल रंग। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो लाल रंग सबसे ऊपर होता है, बैंगनी नीचे होता है, सबसे ज़्यादा जो झुकता है वो बैंगनी होता है और सबसे कम जो झुकता है वो होता है लाल। बैजानी हैप्पी नाला आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, मानव आँख से जो प्रतिबिंब बनते हैं, जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए इंद्रधनुष जो दिखता है हमें, इंद्रधनुष किसके वजह से दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है हमें वर्ण विक्षेपण की वजह से, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से। और तारे जो टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण से सारे प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हमारे चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, अवतल लेंस। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा उपकरण विद्युत धारा की स्थिति दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगला सवाल, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया था कि धारावाही तार को जब हम अपने हाथ से इस तरफ पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है हमारा वो धारा की दिशा को अगर बताता है, तो जो बाकी उंगलियां होंगी, अंगूठा अगर धारा की दिशा को बताता है तो जो बाकी उंगलियां होंगी वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा, जो विभव का भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ये इसका सही आंसर होगा श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम यानी सीरीज में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनका मान बढ़ता है। अगला सवाल, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, यानी ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा।
अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10^6 जूल। अगला सवाल, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है जिसे हम पुनः जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? वर्ण मतलब रंग। तो प्राथमिक रंग होता है आपका लाल भी होता है, हरा नीला भी होता है, हरा भी होता है। तो यानी इसमें सभी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग, आँख का रंगीन भाग कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस। अगला सवाल, 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हर्ज पावर, हर्ज पावर बराबर होता है किसके? 746 वाट के, 746 वाट के बराबर होता है 1 हर्ज पावर। दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है जो हमें छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है? कौन सा लेंस होता है? वो होता है आपका उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं विद्युत धारा में? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? आवेश का। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक और मात्रक होता है कूलम। 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलम के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर यानी पी शक्ति बराबर होता है इकाई समय में किया गया कार्य। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर सेकंड। अगला सवाल, विद्युत धारा का मात्रक। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? इसको आप कमेंट्स में बताइएगा इस सवाल को, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? दोस्तों CO2, CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, यानी पृथ्वी की गर्मी बढ़ती है। CO2 जितनी ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा CO2। अगला सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना दोस्तों अपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, तो जिसमें बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो होता है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल, 28 नंबर, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इन सब में आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर। तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला सवाल, चूना जल का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान सवाल है, चूना जल का रासायनिक सूत्र बहुत ही आसान सवाल है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको भी आप कमेंट्स में बताएंगे। तो 2 सवाल हो गए जिसको आप कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अगला सवाल, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका पीएच मान होगा? तो दोस्तों लाल लिटमस को नीला जो करते हैं, जो विलयन करता है, वो होता है आपका क्षार, और क्षार का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होगा।
तो इसमें देखिए सात से अधिक किसका है, इसमें सात से अधिक ए भी है और बी भी है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएंगे। देखिए सात जो होता है वो उदासीन होता है, उदासीन जो हम पानी पीते हैं वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान सात होता है। और पाँच जो होगा यानी सात से जो कम होगा, सात से जो कम होगा वो होगा आपका अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में आपको कार्बन कार्बन के बीच जो बंधन होता है वो होता है दोस्तों तीन बंधन, कार्बन कार्बन के बीच होता है तीन बंधन, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला सवाल, ग्लूकोज का आण्विक सूत्र, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ग्लूकोज का आण्विक सूत्र होता है C6H12O6, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाते हैं। अगला सवाल, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक होता है दोस्तों एल्डिहाइड का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। COOH होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और OH होता है आपका, OH होता है आपका एल्कोहल का, ये याद कर लीजिएगा बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या दोस्तों घटती है, क्योंकि परमाणु का आकार घटता है तो त्रिज्या भी घटती है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो अधातु गुण को बढ़ते क्रम में सजाना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिथियम बेरिलियम ये दोनों आपके धातु हैं, तो ये पहले आएंगे, जिसमें लिथियम पहले आता है फिर बेरिलियम आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले ही मिल गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि लिथियम इसी में पहले है, तो ये सही हो जाएगा। अगला सवाल, सिलिकन क्या है, सिलिकन क्या है, तो दोस्तों सिलिकन एक उपधातु है, सिलिकन एक उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व, तो इसमें आपको साफ दिख रहा है सोडियम आपको विद्युत धनात्मक तत्व, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, किया गया है, तो टिहरी बांध का निर्माण आपको किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड जो है वो उसका पहला नाम है उत्तरांचल, उत्तरांचल अब उसका नाम 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। अगला सवाल, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, सोडियम को ऑप्शन नंबर बी केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। दोस्तों अगला सवाल, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक झाग देता है बहुत ज़्यादा और गंदगी को जल्दी साफ करता है, तो इसमें सर्फ झाग देता है, सर्फ एक्सल भी झाग देता है, शैम्पू भी झाग देता है, एजी सर्फ भी झाग देता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो बहुत ही आसान, सौर सेल में आपका सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल गाड़ी चलाने में किया जाता है, बाकी का एलपीजी से भी हम खाना बनाते हैं, बायोगैस से भी बनाते हैं और कोयले से भी बनाते हैं, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सीएनजी। अगला सवाल, कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जो हुई है ये पूछ रहा है क्या है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण या विस्थापन है, तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हो जा रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
ए ऑक्सीकरण। दोस्तों सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो अगर हम देख रहे हैं ए नंबर, तो इधर हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, और अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन दो और क्लोरीन दो है, तो ये तो हमारा संतुलित है। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, इधर पी भी एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इधर एक है, इधर भी नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन इधर हो रहा है 3 × 2 = 6 हो रहा है, जबकि अभिक्रिया के बाद हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, ये पांच ही हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। अगला सवाल, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, जो पानी हम लोग पीते हैं वो उदासीन होता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कौन है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH, बाकी तीनों के तीनों जो हैं वो प्रबल अम्ल हैं, ये तीनों प्रबल अम्ल हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला सवाल, पोटेशियम की परमाणु संख्या, बहुत ही आसान सवाल दोस्तों, इस सवाल को चलो बता देते हैं, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 19, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। अगला सवाल, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, फॉर्मिक अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है आपका HCOOH, तो इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है मिथेनोइक अम्ल, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अगला सवाल, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र बताइए, तो अणुसूत्र क्या होगा इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एल्काइन कौन है, इसमें आपको एल्काइन बताना है, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा C2H2 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, एसिटिलीन या एथाइन एक ही चीज़ है, तो एथाइन एल्काइन ग्रुप का है, तो आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, यानी पादप में श्वसन के लिए जो जिन बीजों का उपयोग होता है श्वसन पे अध्ययन के लिए, वो होते हैं अंकुरित बीज, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, वृक्क यानी किडनी, तो किडनी किस में आता है, उत्सर्जन अंग में आता है, ये हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जाइलम क्या, जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां पे खाना बनता है पौधों का, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो फल पकाने वाला हार्मोन या फल पकना किससे नियंत्रित होता है, तो ये होता है आपका एथिलीन से, एथिलीन हार्मोन पौधों में निकलता है जो फल पकाने के लिए कारगर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेंड्राइट्स। दोस्तों अगर मुझे इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाते हैं सब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो मैं साइंस का सब्जेक्टिव भी आपको बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 100 कमेंट्स चाहिए कि सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन डालिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? तो दोस्तों ये है आपका, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनेलिन। इसे आपातकाल हार्मोन कहते हैं। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है? तो इसमें सवाल आपका कह रहा है कि कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, चबाना। तो दोस्तों ये सारे तो ऐच्छिक क्रिया है ना, अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछ रहे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। कौन सी अनैच्छिक क्रिया है पूछना चाहिए, तो होता हमारा दिल का धड़कना, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया वो होते हैं जो हमारे, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ऐच्छिक क्रिया वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लिखना, खाना, नाचना, कूदना, ये होते हैं ऐच्छिक क्रिया। तो यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि कौन अनैच्छिक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा दिल का धड़कना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो मतलब कितने दिन पे मानव में बच्चे जन्म लेते हैं, तो ये 9 महीने होते हैं ना, 9 मंथ्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 270 दिन। अगला सवाल, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान दोस्तों ये शुरू हुआ आपका 1985 में, लेकिन जब आप किताब पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको 1986 में, जब आप 10th का किताब पढ़िएगा उसमें 1986 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो जो आपको आए उस पर आप टिक करिएगा। ये 1985 में हुआ था, जिसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान था ऋषिकेश से कोलकाता तक गंगा की सफाई के लिए। आगे देखते हैं सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है, तो यहाँ पे ईस्ट है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, तो डायरिया तो नहीं है, ये नहीं है आपका, टीबी ये है, और निमोनिया भी है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है, और टीबी में भी फेफड़े में प्रॉब्लम होती है और अस्थियों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो दोनों है, यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला सवाल, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? पाचन नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रोटीन पचाते हैं, वसा भी पचाते हैं, ठीक है? सेलुलोज जो है इसका हम पाचन नहीं कर पाते हैं, जो रेसे होते हैं हमारे सब्जियों में, सलाद में, तो इसका हम पाचन नहीं कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है सेलुलोज। अगला, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, तो ब्रेन हेमरेज जब बीपी हाई हो जाती है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ब्रेन हेमरेज होता है, और उसका मुख्य कारण है हाइपरटेंशन, ठीक है? अगला सवाल, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, परजीवी पादप यानी परजीवी मतलब जो दूसरे का खाना खुद खा लेता है, तो पादप की बात हो रही है, कौन सा पौधा है? तो यहाँ पे तो बैक्टीरिया होगा नहीं, विषाणु होगा नहीं, कवक होगा नहीं, तो हमारे पास बच रहा है कसकुटा। कसकुटा होता है दोस्तों, जिसे हम अमरबेला भी कहते हैं, अमरबेला, ठीक है, या आकाश बेला, कई सारे नाम हैं, जो बबूल के पेड़ पे, नींबू के पेड़ पे पतली पतली येलो कलर की लत्तर जैसे फैले होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है कसकुटा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ये तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से पता होंगे, किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा, इसका सही आंसर होगा आपका निलय द्वारा, क्योंकि हृदय जो होता है, हृदय इसमें नीचे वाले जो हिस्से होते हैं इसे निलय कहा जाता है दोनों हिस्सों को, और ऊपर वाले दोनों हिस्सों को अलिंद कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? तो अभी हमने बताया मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग, तो आपका सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, तो यानी
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इनमें सभी। अगला सवाल, पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो आपका बाह्य दलपुंज ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला सवाल, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी जो होता है दोस्तों वो होता है बी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए जो एंटीबॉडी होते हैं ना वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन जो होते हैं उन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो शरीर से दूसरे बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, और जो एंटीजन होते हैं एंटीजन वो हमारे ब्लड ग्रुप को बताते हैं, जैसे ए बी, जिनमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। अगला सवाल, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में किस कौन नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा सॉरी कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित इंसुलिन करता है, ठीक है, और इंसुलिन के प्रभाव को नियंत्रित ग्लूकागन करता है, और इंसुलिन और ग्लूकागन को दोनों को नियंत्रित करता है सोमेटोस्टेनिन, ठीक है, तो ये तीनों तो हो गए, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए, जिब्रेलिन्स, ये वृद्धि हार्मोन है, पेड़ पौधों के तना में वृद्धि कराता है। बाकी जो है ये एड्रिनलिन इंसुलिन थायरोक्सिन ये तो जंतु हार्मोन है। अगला सवाल, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जिसे पैरोटिड पैरोटिड होता है, ठीक है, सब मैंडुलर होता है, सब मैंडुलर, और एक होता है आपका सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, 3 लार ग्रंथियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एंड्रोजन है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेल हार्मोन, एंड्रोजन है मेल हार्मोन, और मुख्य एंड्रोजन हार्मोन को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एस्टेरोन, ठीक है, और जो फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन वो होता है आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ये होता है फीमेल हार्मोन। अगला सवाल, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।